क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक नंबर है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। दूसरा नंबर है, चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। तीसरा है, पंचवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। इसमें ऑप्शन है, एक दो सही है, दो सही है, तीन सही है, एक दो तीन, डी में एक दो तीन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एक और दो सही है, एक और दो सही है, तीसरा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए। दोस्तों, इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं, पेट के, यूपी ट्रिपल सी पेट के या आर ओ के या जो भी नेक्स्ट एग्जाम